यस, दिस इज वन ऑफ दोज ट्रिक्स यू नो, जो कि अगर आप एक मैजिशियन है या फिर आप एक बिगिनर मैजिशियन है या फिर आप एक्चुअली कल मैजिक सीखना शुरू करने वाले हैं, सो दिस इज वन ऑफ दोज ट्रिक्स जो कि आप यूज कर सकते हैं एज ए गो टू ट्रिक। मतलब जाके अगर कोई बोला अरे यार यू आर ए मैजिशियन, कुछ दिखाओ, जादू दिखाओ, तो उस समय आप इसको यूज कर सकते हैं और इससे जो रिएक्शंस आपको मिलेंगे ना, आई मीन दोज विल बी दोज टाइप्स ऑफ रिएक्शंस जो आप कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किए होंगे। एंड या वन मोर थिंग, मेरे चैनल पर भी एक गिव अवे लाइव चल रहा है जिसमें मैं दो ट्रिक्स के गिव अवेज कर रहा हूँ। सो मैं यहाँ इस कार्ड में यहाँ पे लिंक डाल दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी, सो आप वहाँ जाके यू सी दैट वीडियो, उस वीडियो पे कमेंट कीजिए, लाइक बटन दबाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए और उस वीडियो को शेयर कीजिए एंड यू विल एंटर दैट गिव अवे। वो दो ट्रिक्स बहुत ही ऑसम है, सो आप उनको शायद मिस नहीं करना चाहेंगे। सो टॉकिंग अबाउट दिस वीडियो, मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप किसी भी एक नॉर्मल नैपकिन को लेके, अरे सीधा हो, हाँ, आप किसी भी एक नॉर्मल नैपकिन को लेके आप स्पेक्टेटर्स को वो देंगे, वो इसको फाड़ेंगे, जितना चाहे फाड़ सकते हैं, डजंट रियली मैटर, एंड दैट पीस ऑफ पेपर या नैपकिन जो कि उन्होंने फाड़ दिया था विल बी मैजिकली रिस्टोर्ड। सो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास एक नॉर्मल नैपकिन है। एक्चुअली लास्ट ब्लॉग में आप देखे होंगे तो हम लोगों ने पिज़्ज़ा ऐसा ऑर्डर किया था, तो उसी के कुछ नैपकिन्स बाकी थे, राइट? अब क्या होगा, तुम इसको फाड़ दो, पूरा टियर करो, मतलब अच्छे तरीके से। हाँ जैसे मन जैसे मन जैसे मन जस्ट देखते हैं कितना अच्छा फाड़ पाता है। फाड़ के इसको एक बॉल बनाओ, ठीक है, कुछ पीसेस में फाड़ के जस्ट मेक इट अ बॉल। ओके, अब देखो अब क्या होने वाला है, इसको लेके मैं बहुत अच्छे से ग्रिप कर लूंगा। ओके, अब मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं अपने पॉकेट से एक पेन निकालूंगा। दिस इज, आपने अभी देखा मैंने रखा, क्योंकि ये दिस इज ए मैजिक पेन। ये क्या करता है यू नो, इससे मैं एक बार इसमें अगर टैप करूँ, व्हाट हैपेंस इज दैट इसको इस खोल के सारे पीसेस अलग अलग करो, यू विल सी व्हाट द मैजिक इज। अरे बोला था दिस इज ए मैजिक पेन, जुड़ कैसे गया? इट कैन डू वंडर्स। जो नैपकिन इसने अपने हाथों से फाड़ा था, उसका एक बॉल बनाया था, वो नैपकिन एक टैप से कम्प्लीटली रिस्टोर हो गया है इनटू इट्स ओरिजिनल फॉर्म। अरे सो इसका जो मेन प्रिंसिपल है मैं आप लोगों को पहले वो बता देता हूँ। सो यू आर एक्चुअली यूजिंग टू नैपकिन्स, ओके। अब मान लीजिए यू आर इन ए रेस्टोरेंट, राइट? अब वहाँ पे पहले से एक लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट थोड़ा मोड़ा मिसडायरेक्शन से आप ये कर सकते हैं क्योंकि नैपकिन सामने रखे रहते हैं, राइट? तो अब एक निकालने के बाद उसके साथ दूसरा निकालने, फिर उसको लेके पॉकेट में डालने, दैट्स योर डिसीजन। एक्चुअली पॉकेट में भी नहीं डालना है। सो आप क्या करेंगे कि जो पहला नैपकिन है वो आप स्पेक्टेटर्स को देंगे और उनको बोलेंगे कि इसको फाड़ दें, ओके? और उस समय आपको क्या करना है, जो इंटैक्ट नैपकिन है वो क्रम्पल करके आपको अपने हाथ में पाम कर लेना है, ओके? अब इस पार्ट को आपको ज़्यादा फोकस नहीं देना है। आप मतलब मान लीजिए जैसे नैपकिन यहाँ पे है, आप जैसे इसको लिए लेके आप इस तरीके से अपने हाथ से इसको क्रम्पल कर लिए, करके बस आप अपना थंब हल्का से ऐसे रख देंगे या फिर हल्का पिंच करके रखेंगे भी, तो उतना किसी का ध्यान जाएगा नहीं क्योंकि सब बिजी हैं इस वाले को देखने के लिए, राइट? तो ये स्पेक्टेटर्स जितना चाहे फाड़ सकते हैं, इट डजंट रियली मैटर। अब क्या करेंगे, एज इंस्ट्रक्टेड वो इसको एक बॉल बनाएंगे, ओके? अब मैंने यहाँ पे एक गलती की थी कि जो बॉल मैंने क्रम्पल करके अपने हाथ में रखा था वो एक्चुअली मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया था, इसीलिए आप लोगों को शायद दिख रहा होगा कि मैं अपने हाथ में जब वो बॉल लिया साइज थोड़ा सा डिफर किया, राइट? लेकिन आप लोगों को इसको जितना छोटा हो सके उतना करना है, और स्पेक्टेटर्स को भी एक आप लोगों को इंस्ट्रक्शन दे देना होगा कि जो क्रम्पल करेंगे
वो ज्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए और ज्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए। तो होगा क्या मतलब उतना आप एग्जैक्ट तो कोई मैच नहीं करेगा, बट अप्रोक्सीमेटली इस साइज तक सब फोल्ड कर देंगे। ओके देन आप लोगों को क्या करना होगा, एक और चीज मैंने नहीं किया था वो है कि मैं अपने पॉकेट में पहले से एक पेन नहीं रखा था। ओके पेन सबके पास होगा तो आप अपने पास रख ही सकते हैं। तो मैं उस समय बहाने में एक पेन मैं लेके अपने पॉकेट में डाल लिया था। तो ये पेन आपके पॉकेट में इस तरीके से रहना चाहिए, ओरिजिनल वाला जो इंटैक्ट नैपकिन है वो आपके हाथ में रहेगा, ये वाला स्पेक्टेटर का है, राइट। अब जब स्पेक्टेटर आपको ये क्रम्पल्ड बॉल देंगे, आप इसको लेंगे, ठीक है। अब जो बिगिनर आइडिया मैंने यूज किया था, मैं इसको लेके सिंपली जो इंटैक्ट वाला बॉल है उसके साथ मैं एक साथ जोड़ दिया करके, आई प्रिटेंडेड एज इफ आई एम ट्राइंग टू गेन एनी एनर्जी और समथिंग आउट ऑफ इट, कुछ भी स्टोरी बना दीजिएगा करके। यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, अपने थंब से जो इंटैक्ट वाला बॉल है इसको लेके आगे पुश करना है करके, इस हाथ में देके तुरंत अपना हाथ आप नीचे कर लेंगे तो दिखने में कैसा लगेगा एज इफ आपने वो बॉल इस हाथ में फेंक दिया है। ओके अब यहाँ पे आता है कि आप पेन क्यों यूज करेंगे। सो आपके हाथ में ऑलरेडी उनका बॉल है स्पेक्टेटर का, ये जाएगा पेन लाने, आपके पॉकेट में बॉल रख के आप वहीं से पेन निकालेंगे, देन यू डू सम जेस्चर्स, टैप करेंगे, ये जाए बाहर में, इसको आप खोलेंगे एंड यू विल शो दैट द एंटायर नैपकिन इज कंप्लीटली इंटैक्ट, और उसके बाद वेट फॉर द रिस्पॉन्स। तो दैट वॉज इट, आई होप यू लाइक दैट, इफ यू डिड डू हिट द लाइक बटन। और आप लोगों को और क्या क्या सीखना है या फिर आप किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं या फिर आप मुझे यहाँ पे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हैं। मैं एक्चुअली डीएम्स जल्दी चेक करता हूँ, बट नेवर माइंड, मैं कमेंट सेक्शन में चेक करता रहता हूँ। सो आप मुझे यहाँ पे या यहाँ पे कहीं पे भी आप मैसेज कर दीजिएगा, तो मैं अगर मुझे उसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी तो मैं इस पर एक अलग वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। सो विल मीट यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय बाय।